का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। आंध्र प्रदेश में जनसेना के उम्मीदवार ने जमीन पर पटकी ईवीएम। पंडित जसराज समेत 900 कलाकारों की अपील, बीजेपी सरकार का बना रहना जरूरी। उमर का दावा, पूछ पोलिंग बूथ पर कांग्रेस का बटन नहीं कर रहा काम। अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश में जनसेना के उम्मीदवार ने जमीन पर पटकी ईवीएम, हुआ अरेस्ट। अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में मतदान करने पहुंचे जनसेना पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता ने ईवीएम उठाकर जमीन पर पटक दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बतौर जानकारी, वह विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का नाम साफ नहीं दिखने से गुस्सा हो गए थे। दरअसल आंध्र में विधानसभा व लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ मतदान हो रहा है। महादेवन, पंडित जसराज समेत 900 कलाकारों की अपील, बीजेपी सरकार का बने रहना जरूरी। शंकर महादेवन, आलोक नाथ, विवेक ओबेरॉय, कोयना मिश्रा। पंडित जसराज समेत 900 कलाकारों ने संयुक्त बयान जारी कर लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार बनी रहे, यह समय का तकाजा है। इससे पहले 733 कलाकारों ने संयुक्त बयान में लोगों से बीजेपी और उसके सहयोगी के खिलाफ मतदान करने की अपील की थी। उमर का दावा, पूछ पोलिंग बूथ पर कांग्रेस का बटन नहीं कर रहा काम। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया है कि पूछ के पोलिंग बूथ पर ईवीएम में कांग्रेस के चुनावी चिन्ह वाला बटन काम नहीं कर रहा है। ट्वीट किए गए वीडियो में एक शख्स कह रहा है कि बाकी किसी काम में कमी नहीं है, लेकिन एक बटन काम नहीं कर रहा है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।